आपका सवाल यह है, क्या रमण महर्षि जनोगा वाले चार सेक्शंस में, सेक्शन 1, 2, 3 और 4, उसमें से चौथे सेक्शन में जो सबसे आखिरी सेक्शन है वहाँ पहुँच चुके थे? तो जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आज पहली बार ये वीडियो देखा है, उनको मैं बता दूँ, जनोगा में इस माइंड को चार अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। और कैसे डिवाइड करते हैं? जनोगा मानता है कि ये बॉडी, ये माइंड, हर चीज़ एक वाइब्रेशन है, जिसमें से कि वाइब्रेशन समझते हैं ना, वाइब्रेशन मतलब कंपन, तरंगे, कंपन। इसे पंखा चल रहा है, ये दिख रहा है पूरा गोल, लेकिन गोल है नहीं, बस तीन पत्तियां हैं जो तेज़ी से घूम रही हैं। ऐसे ही ये पूरा आँख वाँख सब कुछ वाइब्रेशन है, और ब्रेन वाइब्रेशन है, और इससे थोड़ा और सूक्ष्म वाइब्रेशन है सेक्शन 2, उससे भी और सूक्ष्म वाइब्रेशन है सेक्शन 3, और जैसे आपने पूछा लास्ट सेक्शन वो है जिसको कृष्ण कहा करते थे, आत्मन या सेल्फ या सोल या परमात्मा। तो क्या रमण वहां तक पहुंच चुके थे? हाँ, मुझे लगता है पहुंच चुके थे। क्यों लगता है? आमतौर पे जब भी कोई आदमी कुछ भी चाहता है तो उसको पाने की कोशिश करता है, कभी कभी पा जाता है, कभी नहीं पाता। बट अपने आप में कोई भी चीज की चाहत एक स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस है, एक तरह की ऐसी स्टेट जिसमें आप अपने आप में अधूरा महसूस कर रहे हैं, चाहे प्यास हो, चाहे भूख हो, चाहे मन में कोई ऐसी चीज़ हो कि मेरे पास पैसे अभी कम हैं, या मेरे पास बच्चा नहीं है, या मेरे माता पिता नहीं हैं, कोई भी एक ऐसी स्टेट जिसमें आप अंदर में कमी महसूस कर रहे हैं, और उस कमी को पूरा करने के लिए आप डिज़ायर करते हैं। तो जो भी आदमी सेक्शन 1 में है वो तो अपने थॉट्स से, अपने माइंड से, अपने कर्मों से चीज़ों को पाने की कोशिश करता है, जो भी उसके पास सामर्थ्य है, जो भी अकल है, जो भी उसके पास ताकत है। सेक्शन 2B माना जाता है जिनका खुल जाता है, वो लोग ध्यान कर पाते हैं, उनको इंट्यूशन होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अनकॉन्शियसली सेक्शन 2B का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, ग्रेट राइटर्स, पोएट्स, साइंटिस्ट्स, बिजनेसमैन, जिनको ग्रेट आइडियाज़ आते हैं, वो माना जाता है कि सेक्शन 2B से यूज़ करते हैं। सेक्शन 3 वो था या है हमारे ब्रेन में जो मिस्टिकल पावर्स को यूज़ कर पाता है, चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं उनके पास, जो रमण के पास थी, बट वो कभी भी उसको ये नहीं कहते थे कि मैं कर रहा हूँ। और लास्ट सेक्शन वो होता है जहाँ पर आप समंदर की तरह होते हैं, आप डिस्टर्ब नहीं होते। तो मैंने जितने भी सेजेस को अभी तक लाइव सेजेस को पढ़ा है, कृष्णमूर्ति को या रमण को, मुझे लगता रमण जो थे वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं थे, उनके मन में कोई डिज़ायर की वेव नहीं थी। उसके कुछ साइंस भी हैं। रमण जब वहाँ पहुँचे तिरुवन्नमलाई में, उसके बाद से कभी कहीं गए ही नहीं। पता है भिक्षा कैसे मांगते थे? ऐसे बुद्ध के बारे में कहानियाँ सुनी हैं, बट लगता है बहुत दूर हैं, 2500 साल पहले, पता नहीं सच था कि नहीं था। लेकिन इनके बारे में सच ये है, जब ये भिक्षा मांगते थे, एक घर में गए, वहाँ ताली बजाई, मतलब बोलते भी नहीं थे, मौन थे, और खाने में जो भी मिल गया, जो भी ताज़ा बासी कुछ भी मिल गया वो लेते थे, और उसको खाकर अपने सर में ऐसे सर, अपना हाथ पे सर पोछ लेते थे और चले जाते। कहते हैं रमण कि मैंने पूरे तिरुवन्नमलाई में एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ से भिक्षा नहीं लिया हो। एक बार एक घर में एक ही बार लेते थे भिक्षा, दोबारा नहीं जाते थे वो। ऐसे खाली एक रमण नहीं है, बहुत से रमण रहे होंगे। मुझे लगता है ऐसे ही एक कृष्ण भी रमण ही रहे होंगे। तो जब आपको डिज़ायर्स डिस्टर्ब नहीं करती, किसी भी तरह के डिज़ायर, किसी भी तरह की डिज़ायर, यहाँ तक कि मिस्टिकल पावर्स को यूज़ करने की भी डिज़ायर, तो एक तरह से ऐसा है जैसे आप तृप्त हो गए खाना खाने के बाद, और नहीं खाने की इच्छा होती। ऐसे ही जब आप सेल्फ के पास पहुंच जाते हैं, ट्रू सेल्फ के पास, उसके बाद डिज़ायर ऐसा होता है जैसे और क्या खाएं, पेट भर चुका है। तो बट मेरे लिए क्वेश्चन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसका आंसर इस तरह से कि रमण नहीं, हमारे अंदर में सेक्शन 4 है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। क्योंकि जैसे हम ये पूछते हैं ना कि क्या रमण सेक्शन 4 पे पहुँच चुके थे, तो चलो भैया बुरिया बिस्तर बांधो, चलते हैं वहीं, बुरिया बिस्तर बांधिए, जाइए,
चाहे वहाँ जाइए चाहे घर पे रहिए, लेकिन ये जानिए कि वो सेक्शन फोर या आत्मन या सोल आपके ही इसी माइंड में, बॉडी में है। और अगर है तो जाइए, यहीं जाइए, कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है।